केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के 207 आरक्षक प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत परेड समारोह हेमराज गुप्ता उप महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस दौरान DIG द्वारा भव्य परेड की सलामी ली गई। समारोह में वीरेंद्र प्रताप सिंह समादेष्टा प्रथम आरक्षित वाहिनी बड़वाह ने प्रशिक्षणार्थियों को कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान DIG गुप्ता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को बाहर आउटडोर, बेस्ट आंतरिक इंडोर, बेस्ट आंतरिक फायरिंग, बेस्ट राउंड, बेस्ट विषय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के लिए पुरस्कृत किया गया। इस दौरान हेमराज गुप्ता ने कहा कि बुनियादी प्रशिक्षण की समाप्ति प्रशिक्षण का अंत नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत है। गुप्ता ने अनुशासन, मुस्कुराहट, ईमानदारी और निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान पास आउट हुए प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न आकर्षक, साहसिक और रोमांचित कर देने वाले प्रदर्शनों की प्रस्तुतियां दी, जिसको देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। बड़वाह से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। प्लाटो नंबर 1 पीछे है प्लाटो नंबर 2 जिसका की मृत्यु पर है आरक्षक प्रशासन अभिषेक। प्रशिक्षण के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखो है ना, कोई भी काम हो तो शुरुआत में कठिनाई तो आती है ना। एक बंदा शुरू में दौड़ेगा तो उसके पैर में दर्द होगा ही होगा, वो सारी कठिनाई को सामने करना पड़ता है। ट्रेनिंग के बाद आप क्या लक्ष्य और उद्देश्य लेकर जा रहे हैं पास आउट होकर? उद्देश्य है कि पब्लिक के साथ कैसे कोऑपरेट करना है और किस तरीके से किस मतलब अंजाम तक पहुँचना है, गलत काम को कैसे रोकना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई गई काफ़ी अच्छी तरीके से। चाहे वेपन हो, ड्रिल हो, कोई भी हो। क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।